దేశంలో భావజాల పోరాటం నడుస్తుందన్నారు రాహుల్ గాంధీ. ఇద్దరు ముగ్గురు వ్యక్తుల కోసం కేంద్రంలో బీజేపీ ప్రభుత్వాన్ని నడుపుతుందని ఆరోపించారు. బడా వ్యాపారవేత్తలతో చేతులు కలిపి ప్రజలను మోసగిస్తున్నారని ఫైర్ అయ్యారు. తాము కేంద్రంలో అధికారంలోకి వస్తే అరుణాచల్ ప్రదేశ్ కు పూర్తి స్థాయి రాష్ట్ర హోదా కల్పిస్తామని హామీ ఇచ్చారు రాహుల్ గాంధీ. అసోం నుంచి రాహుల్ జోడో యాత్ర అరుణాచల్ ప్రదేశ్ కు చేరింది. కార్యకర్తలు పెద్ద ఎత్తున స్వాగతం పలికారు. आरएसएस और बीजेपी नफरत और हिंसा फैला रही है. आपको मालूम है मणिपुर में क्या हुआ. महीनों के लिए वहां पे सिविल वॉर सा माहौल बना हुआ है. लोग मारे जा रहे हैं, घर जलाए जा रहे हैं और हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री आज तक वहां नहीं गए. पिछले साल कन्याकुमारी से कश्मीर तक हमने यात्रा की और उस यात्रा में अरुणाचल से, मणिपुर से, नागालैंड से, असम से लोग आए और उन्होंने हमें कहा कि देखिए आपने साउथ से नॉर्थ एक यात्रा की है, आपको ईस्ट से वेस्ट एक और यात्रा करनी चाहिए. और जो अरुणाचल के मुद्दे हैं, मणिपुर के मुद्दे हैं, असम के मुद्दे हैं, उड़ीसा के मुद्दे हैं, इनको भी आपको उठाने चाहिए. इसीलिए इस साल हमने मणिपुर से दूसरी भारत जोड़ो यात्रा शुरू की है, भारत जोड़ो न्याय यात्रा. देश में विचारधारा की लड़ाई है. बीजेपी भाई को भाई से लड़ाती है, धर्म को धर्म से लड़ाती है, एक भाषा को दूसरी भाषा से लड़ाती है, एक जात को दूसरी जात से लड़ाती है और दो तीन लोगों के लिए सरकार चलाती है. पूरा का पूरा फायदा दो तीन बड़े बड़े उद्योगपतियों को होता है और जनता को नुकसान होता है. बेरोजगारी बढ़ती है, महंगाई बढ़ती है. कांग्रेस पार्टी लोगों को जोड़ने का काम करती है, लोगों को रिप्रेजेंटेशन देने का काम करती है. जैसे कांग्रेस पार्टी ने अरुणाचल को स्टेटहुड दिया, लोगों की आवाज उठाने का काम करती है और देश के धन को देश की गरीब जनता को देती है.